तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉ। तो सबसे पहले आप आ जाए हमारे पास गैस लॉ क्या होता है। गैस लॉ क्या होता है? गैस लॉ गैसेस की प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप को हम गैस लॉ कहते हैं। गैसेस जो हमारे पास जिसकी गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गैसेस की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं उसके रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? गैस लॉज कहते हैं। तो गैस लॉज हमारे पास क्या होता है? गैसेस की प्रॉपर्टीज की रिलेशनशिप को हम गैस लॉज कहते हैं। अब रिलेशनशिप कौन से, गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? गैसेस में हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास क्या होती है? गैसेस की प्रॉपर्टीज होती है। इनके इन सब के रिलेशनशिप को या मिक्सचर को हम गैसेस लॉज कहते हैं। अब इनके रिलेशनशिप कैसे, जैसे आप देखें हमारे पास बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉज में हमारे पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के, और उसमें हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ के पास चार्ल्स लॉ आता है, जिसमें हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास आता है दूसरे भी लॉज है हमारे पास, एवोगाड्रोज लॉज है, जिसमें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के होता है। और दूसरा हमारे पास जो लॉज होता है वो भी, और भी हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। तो उन सब में हमारे पास क्या होती है, रिलेशनशिप जो हमें हमारे पास होती है उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, उन सारी रिलेशनशिप को हम गैसेज लॉज कहते हैं। अब गैसेज लॉज को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? गैसेज लॉज को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे पास आप ये चीज रखें, ये चीज आप में जहन में होगी, जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हैं। अब एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है मुराद है हमारे पास प्रेशर है या टेम्परेचर है। अब इन दोनों को जब भी आप चेंज करेंगे, तो किसी भी गैस में अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगा। तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर जितनी भी है, मैं जो है प्रेशर और टेम्परेचर स्पेसिफिक ले रहा हूँ, तो इन दोनों में अब जब भी आप इन दोनों को चेंज करेंगे तो किसी भी गैसेज में हमारे पास वॉल्यूम जो है लाजमी चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो गैसेज का क्या हुआ, ये गैसेज का बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो गैसेज का जो बिहेवियर चेंज होने की जो गैसेज का बिहेवियर चेंज होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं गैसेज लॉ। तो इनमें हमारे पास क्या होता है, गैसेज लॉ में हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, ग्राम्स लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ होता है। ग्राम्स लॉ में रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन हम पढ़ते हैं, और हमारे पास डाल्टन्स लॉ होता है, ये सारी लॉज हमारे पास होते हैं। तो ये गैस लॉज की मुख्तसर जो एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं बॉयल्स लॉ पे। अब हम किस पे आते हैं बेटा, अब हम आते हैं बॉयल्स लॉ पे। गैस लॉ आप जो है बुक पे पढ़ लेना, 41 पेज पे लिखा हुआ है, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑल गैसेज इज अफेक्टेड। तो इसमें ये कह रहा 41 पेज पे पंजाब में लिखा हुआ है, ये चीज कह रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करते हैं, जैसे हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर है, तो जो किसी भी गैस, जो सारी गैस है, उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, अफेक्टेड होगा। दिस अफेक्ट इज नियरली इररिस्पेक्टेबल टू द इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो गैसेज शोज अ यूनिफॉर्म बिहेवियर टूवर्ड द एक्सटर्नल कंडीशन, इसी वजह से हमारे पास जो गैसेज होती हैं वो यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं एक्सटर्नल कंडीशन से। जैसे हमारे पास जैसे एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर दिया मैंने आपको, प्रेशर दिया मैंने, ये चीज़ आपको कही कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म होते हैं। द गैस लॉज डिस्क्राइब दिस यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेज, यही बिहेवियर जो हमारे पास गैसेज का होता है, ये हमारे पास रिलेशनशिप शो करता है किसका, वॉल्यूम का, अमाउंट ऑफ गैस आर प्रिवेलिंग द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस वजह से हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होते हैं और वॉल्यूम भी हमारे पास चेंज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गैस लॉज कहते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने गैस लॉज दिया, बॉयल्स चार्ल्स, तो ये बुक में लिखा हुआ है पंजाब के बुक में 41 पेज पे, और यूनिट ऑफ प्रेशर भी वहीं पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप वहाँ से पढ़ लेना। तो अब हम आते हैं बॉयल्स लॉ पे। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, बॉयल्स लॉ
तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या नया टॉपिक है, जो बॉयल्स ला। बॉयल्स ला क्या होता है? वो होता है अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बॉयल्स ला में क्या होता है? अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पे जगह पे मैं के लगा रहा हूं। अब ये के कांस्टेंट क्यों लगाया ये आगे आपको डिफाइन करता हूं। अभी के लिए यहाँ पे के लगा रहा हूं। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस में हमारे पास क्या आता है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी हमारे पास क्या होती है? ओ सॉरी, अमाउंट ऑफ गैस में हमारे पास नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या टेम्परेचर होता है ये हमारे पास, एंड प्रेशर, ये सारी चीजें, और टेम्परेचर हमारे पास रिमेन कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट कैसे होता है वो भी आगे देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अब बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास अब जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ होगा गिवन मास का, ये आप चीज याद रखें कि वो कांस्टेंट होगा। वो ये चीज आप याद रखें कि वो कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या चीज बयान कर रहा है? ये कह रहा है कि हम जो है वॉल्यूम ऑफ गिवन के, जो भी वॉल्यूम होगा हमें, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, जो भी हमें वॉल्यूम दिया गया होगा गिवन मास का, वो क्या होगा? हमारे पास कांस्टेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी। और वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम किससे? प्रेशर से। और हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपको जो है मैं वैल्यूज बात समझाता हूँ। ये वॉल्यूम हम वी से शो करते हैं उसे। ये हमारे पास क्या होता है? डेफिनेशन कह रही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। और हमारे पास टेम्परेचर क्या करते हैं उसमें? हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, और टेम्परेचर इसमें हम क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें हटाना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा के, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू के अपान पी। अब के क्या आया? के जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाई तो के क्या होता है? के कॉन्स्टेंट होता है। तो ये आप चीज कह सकते हैं। अब आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, आप पी को आप इधर लेके जाएं तो पी वी इज इक्वल टू के, ये भी आप कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम बराबर होता है कांस्टेंट के। अब ये कैसे होता है ये आगे देखेंगे। प्रेशर एंड वॉल्यूम बराबर होता है किसके? कांस्टेंट के। थर्ड इक्वेशन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर। ये चीज हमें क्या कह रही है? ये चीज ये कह रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या कह रही है? ये चीज ये कह रही है कि द प्रोडक्ट होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज ये बयान कर रहा है थर्ड इक्वेशन। तो अब ये कैसे कॉन्स्टेंट होता है वो आप इधर आके देखें, इधर आके देखें। तो ये हमारे पास है, आपको पता है ये है प्रेशर जिसको हम शो करते हैं एटमॉस्फेयर से, ये है वॉल्यूम जिसको हम शो करते हैं डेसीमीटर क्यूब से। क्लियर हो गया? तो ये जो मैं वैल्यूज ले रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? हाइपोथेटिकल वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यूज क्या होती हैं? यहाँ पे ये वैल्यूज हाइपोथेटिकल होती है। अब आप देखेंगे प्रेशर हमने एक लिया है, वॉल्यूम 8 लिया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रेशर को डबल कर दूँ तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो रहा है? 4 हो रहा है।
अब मैं प्रेशर को और डबल करता हूँ, डबल से मुराद ये है कि मैं प्रेशर को 4 पे ले जा रहा हूँ और इसको और ऑफ कर दूंगा 2 पे। अब और मैं प्रेशर को डबल करता हूँ तो डबल से मुराद ये 8 ले गया तो ये 1 पे आ गया। एक जहाज है प्रेशर तो वॉल्यूम हमारे पास 8 शो कर रहा था, और यहाँ पे जब हमने हमारे पास प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम यहाँ पे 4 हो रहा है, तो वैल्यूज यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो रही है। तो हमें ये चीज ये बयान कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कैसे कॉन्स्टेंट होता है, जैसे आप 1 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से जवाब आएगा 8, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से जवाब आएगा 8, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से जवाब आएगा 8, 8 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से जवाब आएगा 8। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास कॉन्स्टेंट जा रही हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो हमारे प्रेशर एंड वॉल्यूम का होता है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। तो सपोज करें ये हमारे पास P1 है और ये हमारे पास V1 है, तो आपको पता है P1 इज इक्वल टू V1 कैसे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज कॉन्स्टेंट आ रही है। तो P1 इज इक्वल टू V1, ये P1 है, ये P2 है, P2 इज इक्वल टू V2, बराबर वैल्यूज कैसे आ रही है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो कॉन्स्टेंट निकल रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि P1 V1 इज इक्वल टू K और P2 V2 इज इक्वल टू K। ये भी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि P1 V1 बराबर होता है K के और P2 V2 बराबर होता है K के। अब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन, ये हमारे पास है 4th, ये हमारे पास है 5th, 4th एंड 5th को। तो अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास बॉयस लॉ की फाइनल इक्वेशन हो आ गई। तो ये हमारे पास बॉयस लॉ की फाइनल इक्वेशन आ गई कि P1 V1, ये P1 प्रोडक्ट है, बराबर हो रहा है P2 के। अब P2 के बराबर कैसे हो रहा है, देखिए V2 के, P1 V1 इज इक्वल टू V2 के बराबर हो रहा है, सही है। और यहाँ पे देखे मैंने P2 मतलब प्रेशर 2 ले दिया, दूसरा दिया, तो प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 ये भी बराबर किसके बराबर है, ये भी हमारे पास P1 और V1 के बराबर की जो वैल्यूज आई है उसके बराबर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है, अब मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में।